नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री टूर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग कोई ना कोई व्हीकल तो जरूर चलाते हैं, जैसे कि साइकिल, बाइक और कार जैसे कई सारे। और इन सभी व्हीकल्स में व्हील्स के साथ साथ एक और जरूरी हिस्सा होता है, वो क्या है बताइए जरा। जी हाँ, व्हील रिम। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये व्हील के साथ जुड़े रहने वाले रिम को कितने प्रोसेस के बाद में बनाया जाता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। चलिए अनबॉक्स करते हैं गुजरात की व्हील रिम बनाने वाली फैक्ट्री ऑटोमैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जहां पर व्हील के लिए मजबूत रिम बनाए जाते हैं। व्हील रिम बनाने की अमेजिंग प्रोसेस शुरू होती है इसके रॉ मटेरियल से, जिसमें स्टील स्ट्रिप रोल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्पॉट वेंडिंग की मदद से व्हील को जोड़ा जाता है। अरे ये तो जुड़ गए, है ना। इसके बाद रोलिंग मिल पे रोल किया जाता है और अलग अलग रोलर से पास किया जाता है, और साथ ही कंपनी की डिटेल्स को एम्बॉस किया जाता है। इसके बाद फॉर्मिंग मशीन की मदद से रोल को निर्धारित शेप और साइज में बनाया जाता है, और इस तरह से फॉर्मिंग प्रोसेस की जाती है, जहां ये रोल एक व्हील की शेप में बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद रोल को साइज के मुताबिक कट किया जाता है। अब दोस्तों, कट किए गए रोल के दोनों छोर को बट वेल्डिंग की मदद से कनेक्ट किया जाता है और राउंड शेप में बनाया जाता है। इस प्रोसेस को देखने में बड़ा ही मजा आता है ना। इस वेल्डिंग प्रोसेस के बाद मशीन की मदद से इनकी साइज को सेट किया जाता है, और फिर जॉइंट को ग्राइंडिंग प्रोसेस की मदद से स्मूथ बनाया जाता है। दोस्तों, अब इसमें होल किए जाते हैं और वॉल्व बॉडी के लिए भी पंचिंग की जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी स्पीड से होल कर रहा है। इसके बाद जॉइंट को पॉलिश किया जाता है, और फिर रिम को मशीन में सेट करके उसके जॉइंट की भी पॉलिशिंग की जाती है। अरे ये मशीन तो कितनी स्पीड से रिम की इनर फेस को पॉलिश कर रहा है, मुझे तो यार देखकर ही मजा आ गया। दोस्तों, अब रिम को अलग अलग केमिकल की मदद से प्लेटिंग प्रोसेस की जाती है, जिसे क्रोम प्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में एक के बाद एक केमिकल में रिम को डुबोया जाता है, और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस की जाती है जब तक कि इसमें फाइनल क्रोम की प्लेटिंग ना हो जाए। क्या बात है यार, ये रिम तो बहुत चमक रहा है। इसके बाद रिम के एक भाग को पेंट किया जाता है। दोस्तों, व्हील के सपोर्ट के लिए व्हील रिम बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसे पैक करना बाकी है। अब रिम पर क्वालिटी चेक करके स्टिकर लगाए जाते हैं और इसे अच्छी तरह से पैक किया जाता है। देखिए, पैक करने के बाद व्हील रिम को मार्केट में बेचने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। अगर आप भी इस कंपनी को संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें, और अगर आप भी अपनी फैक्ट्री को हमारे चैनल पे अनबॉक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और अमेजिंग फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।